स्वागत है मेरे चैनल पढ़ाई.com में। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है शिक्षण की नवीन विधाएं। जो शिक्षण की विधाएं हैं, जो नवीन विधाएं हैं, आज हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो देख लेते कौन कौन सी हैं। सबसे पहले देखेंगे हम कि कौन कौन सी विधाएं हैं जो नवीन हैं, मतलब शिक्षण की नवीन विधाएं कितनी होती हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं कि 8 प्रकार की होती हैं। तो इन सबके बारे में हम डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में। सबसे पहले क्रियापरक शिक्षण, दूसरा है बाल केंद्रित, तीसरा रुचिपूर्ण, चौथा है सहगामी, पांचवा बहुस्तरीय, छठवा बहु कक्षा, सातवां निदानात्मक और आठवां उपचारात्मक। तो सबसे पहले हम क्रियापरक शिक्षण के बारे में डिस्कस करते हैं। दोस्तों क्रियापरक शिक्षण, क्रियापरक शिक्षण का अभिप्राय ऐसे शिक्षण से है जिसमें बालक को क्रिया के माध्यम से ज्ञान प्रदान किया जाता है। इस शिक्षण विधि में बालक का शरीर और मस्तिष्क दोनों कार्य करता है। दोस्तों आप देख सकते हैं कि इसमें लिखा है कि क्रियापरक शिक्षण के अंतर्गत बालक की शारीरिक और मानसिक दोनों क्रियाएं होती हैं और बालक स्वयं क्रिया करता है, उसके माध्यम से स्वयं क्रिया करके ज्ञान प्राप्त करता है। तो आगे लिखा है कि क्रियापरक विधि को निम्न नामों से जाना जाता है, जैसे खेल विधि, किंडरगार्टन विधि, मॉन्टेसरी प्रोजेक्ट और डाटल। ये पांचों नवीन विधाएं शिक्षण की और इसे क्रियापरक विधि के नाम से जाना जाता है। दूसरा है बाल केंद्रित शिक्षण, बाल केंद्रित शिक्षण का अभिप्राय ऐसे शिक्षण से है जिसमें बालक को केंद्र बिंदु मानकर विषय वस्तु का निर्धारण किया जाता है तथा इसमें बालक की रुचियों एवं आवश्यकताओं के अनुसार शिक्षण कार्य प्रारंभ किया जाता है। दोस्तों हम सभी जानते हैं कि बाल आजकल का जो शिक्षण है वो बाल केंद्रित हो गया, यानी कि बालक को केंद्रित मानकर शिक्षण की प्रक्रिया संपन्न की जाती है। और पहले क्या था, पहले शिक्षक को केंद्र मानकर पढ़ाई होती थी और आज बाल केंद्रित शिक्षण है। तो इसमें लिखा है कि बाल केंद्रित शिक्षण का मतलब ये है कि बालक को केंद्र बिंदु मानकर बालक के हिसाब से विषय वस्तु का निर्धारण किया जाता है, उनके रुचियों और उनकी आवश्यकताओं के हिसाब से विषय वस्तु का निर्धारण किया जाता है और फिर शिक्षण कार्य को प्रारंभ किया जाता है। आगे बाल केंद्रित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य बालक का सर्वांगीण विकास करना है। अब दोस्तों बालक को केंद्र माना गया है तो उसका कोई ना कोई उद्देश्य होगा, तो इसका उद्देश्य यह है कि बालक का सर्वांगीण विकास किया जाता है शिक्षा के माध्यम से। आगे रुचिपूर्ण शिक्षण, रुचिपूर्ण शिक्षण का अभिप्राय ऐसे शिक्षण से जिसमें बालक को उसकी रुचि एवं आवश्यकताओं के अनुसार खेल खेल में शिक्षा दी जाती है। सिर्फ खेल खेल में नहीं दोस्तों, बल्कि स्टोरी के हिसाब से, आकर्षक ढंग से, काल्पनिक ढंग से, जैसे जैसे बालकों को पसंद आता है उनके माध्यम से रुचिपूर्ण शिक्षण कराया जाता है। रुचिपूर्ण शिक्षण का उद्देश्य बालक में सृजनात्मकता का विकास करना है और रुचिपूर्ण माध्यम से जो रुचिपूर्ण शिक्षण का उद्देश्य है वो है कि बालक में सृजनात्मकता का विकास करना। आगे दोस्तों सहगामी शिक्षण, सहगामी शिक्षण का अभिप्राय ऐसे शिक्षण से है जिसमें शिक्षक एवं शिक्षार्थी की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसमें शिक्षक निर्देश देते हैं तथा बालक शिक्षक के निर्देशों का पालन करते हैं। सहगामी शिक्षण का उद्देश्य शिक्षा एवं शिक्षार्थी की सहभागिता से है। दोस्तों ये सहगामी शिक्षण का जो उद्देश्य है इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि शिक्षक एवं शिक्षार्थी की सहभागिता से, यानी कि जितना शिक्षण प्रक्रिया में जितना शिक्षक सक्रिय रहेंगे उतना ही शिक्षार्थी को भी रहना पड़ेगा। शिक्षक जो निर्देश देंगे उसका पालन बालक को करना पड़ेगा, तो यानी कि दोनों की सहभागिता बराबर होनी चाहिए सहभागी शिक्षण में। आगे है बहुस्तरीय या बहुश्रेणी शिक्षण, बहुस्तरीय शिक्षण का अभिप्राय ऐसे शिक्षण से है जिसमें शिक्षक उच्च कक्षाओं के छात्रों को एक साथ बैठाकर शिक्षण कार्य कराता है। इसमें शिक्षक बालक की रुचियों एवं आवश्यकताओं के अनुसार बालक को शिक्षा देता है। यानी कि बहुस्तरीय या बहुश्रेणी का अर्थ होता है कि बहुस्तरीय का मतलब है कि उच्च स्तर और बहुश्रेणी का मतलब उच्च श्रेणी, यानी कि उच्च स्तर और उच्च श्रेणी के बालक जो बड़े क्लास में पढ़ते हैं, जैसे 9th, 10th, 11th, 12th या ग्रेजुएशन के जो बच्चे हैं उन सबको, उनकी संख्याएं भी ज़्यादा होती हैं क्लासेस में दोस्तों, तो फिर उनको एक साथ बैठा कर शिक्षक उनके माध्यम से, उनके रुचि और आवश्यकताओं के माध्यम से जो विषय वस्तु का निर्धारण करते हैं उनके हिसाब से जो पढ़ाई होती है उसे बहुस्तरीय या बहुश्रेणी शिक्षण कहा जाता है। आगे है बहुकक्षा शिक्षक, शिक्षा बहुकक्षा शिक्षण का अभिप्राय ऐसे शिक्षण से है जिसमें एक अध्यापक एक कक्षा को न पढ़ाकर कई कक्षाओं को पढ़ाता है। इस प्रकार की शिक्षण क्रिया तभी की जाती है जब प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक की कमी होती है। इस शिक्षण में अध्यापक को कक्षा के मॉनिटर पर निर्भर रहना पड़ता है। अब दोस्तों मॉनिटर उन्हीं को बनाया जाता है जो बालक पूरे क्लास में सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, परिपूर्ण हो हर चीज़ में। तो बहुकक्षा शिक्षण का अभिप्राय या इसका मतलब यही है कि एक ही शिक्षक जो है वो 3-4 क्लासेस को एक साथ अटेंड करते हैं और अगर एक क्लास में है तो 2-3 क्लासेस में जो मॉनिटर है उन पर निर्भर रहते हैं और जो मॉनिटर होते हैं उनको टीचर के साथ पूरी सहभागिता के साथ शिक्षण प्रक्रिया को संपन्न कराना होता है, तो उसे कहते हैं बहुकक्षा शिक्षा। आगे है दोस्तों निदानात्मक शिक्षण, निदानात्मक शिक्षण का अभिप्राय ऐसे शिक्षण से है जिसमें बालक का शिक्षा से संबंधित त्रुटियों एवं कमजोरियों का पता लगाया जाता है तथा इन त्रुटियों में कमजोरियों को दूर करने के उपाय खोजे जाते हैं।
इसमें लिखा है दोस्तों कि निदानात्मक शिक्षण का अर्थ ये होता है कि जो बालक बालक की शिक्षा के अंतर्गत जो उनमें त्रुटियां पाई जाती हैं, जो बालक की कमजोरियां होती हैं या फिर कोई दिक्कत होती है, उन त्रुटियों का पता लगा के, उनके कमजोरियों का पता लगा के, उन दिक्कतों का पता लगा के उनके उपाय को खोजा जाता है निदानात्मक शिक्षण के अंतर्गत। आगे है उपचारात्मक शिक्षण। और हाँ दोस्तों, निदानात्मक शिक्षण का उपयोग अधिक से अधिक मैथ के सब्जेक्ट में होता है, मैथ में ज़्यादा होता है निदानात्मक शिक्षण का प्रयोग। आगे उपचारात्मक शिक्षण। उपचारात्मक शिक्षण वह शिक्षण होता है जो शैक्षिक रूप से पिछड़े बालकों के लिए उपयोगी होता है। इसमें शिक्षण के अंतर्गत बालकों की कठिनाइयों को जानकर उनको दूर करता है। उपचारात्मक शिक्षण का अभिप्राय यही है कि जो बालक पिछड़े वर्ग के होते हैं, जिन्हें जो उम्र में तो काफ़ी बड़े होते हैं पर उन्हें उनकी पढ़ाई पीछे होती है, वो पढ़ाई में पीछे होते हैं, अन्य बालकों की तरह वे नहीं होते। तो इसमें टीचर का यही कार्य होता है, यही उद्देश्य होता है कि वो पिछड़े बालकों को सभी अन्य बालकों के जैसे समान शिक्षा देना, समान व्यवस्था प्राप्त करवाना और उनकी कठिनाइयों को जानकर उनको दूर करना होता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमने जाना शिक्षण की नवीन विधाएँ जो अभी प्रचलित हैं शिक्षण प्रणाली में। तो दोस्तों, अगर आप सबको आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, फ्रेंड्स में शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।